व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड मूवमेंट एंड आइसोलेशन मूवमेंट। कौन आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, किस में ज्यादा बेनिफिट है, किस में कम बेनिफिट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो बिना किसी देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपाउंड मूवमेंट वर्सेस आइसोलेशन मूवमेंट। बिफोर आई गो ऑन, हम लोगों को समझना होगा व्हाट इज कंपाउंड मूवमेंट एंड व्हाट इज आइसोलेशन मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट मतलब जिसमें मल्टी जॉइंट इन्वॉल्व होता है, एक से ज्यादा जॉइंट जिसमें इन्वॉल्व होता है, वो हो गया आपका कंपाउंड मूवमेंट। और आइसोलेशन मूवमेंट मतलब सिंगल जॉइंट मूवमेंट। सिंगल जॉइंट मूवमेंट का एग्जाम्पल हो गया आपका बाइसेप कर्ल, जहां पर आपको सिर्फ एल्बो में मूवमेंट होता है, वो हो गया आपका आइसोलेशन मूवमेंट। और कंपाउंड मूवमेंट का एग्जांपल हो गया बेंच प्रेस, जिसमें शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट रहता है और एल्बो का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो द फर्स्ट डिफरेंस, कंपाउंड मूवमेंट में आइसोलेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग ज्यादा मसल इन्वॉल्व होता है। सेकेंड डिफरेंस, कंपाउंड मूवमेंट में आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, जो कि आइसोलेशन में आपको नहीं मिलता। थर्ड डिफरेंस, कंपाउंड मूवमेंट में आपको फंक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगा, जो कि आइसोलेशन मूवमेंट में नहीं मिलता। फंक्शनल स्ट्रेंथ मतलब जो स्ट्रेंथ आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, सिटिंग एंड स्टैंडिंग इज अ फंक्शनल मूवमेंट, पिकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्लोर इज अ फंक्शनल मूवमेंट, जो हो गया आपका डेड लिफ्ट, पुशिंग ऑब्जेक्ट ओवर हेड इज अ फंक्शनल मूवमेंट, जो आपको डे टू डे लाइफ में आप ये सब मूवमेंट करते हो, पुशिंग एन ऑब्जेक्ट एंड पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, ये सब मूवमेंट हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। जो मूवमेंट हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं उसे बोलते हैं फंक्शनल मूवमेंट। सो कंपाउंड मूवमेंट करने से आपको फंक्शनैलिटी में बहुत हेल्प मिलेगा, फंक्शनली आप बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन आइसोलेशन में वो बेनिफिट नहीं मिलता। नाउ मसल बिल्डिंग कंपाउंड में भी होता है, आइसोलेशन में भी होता है। बोन स्ट्रेंथनिंग कंपाउंड में मिलेगा आपको, आइसोलेशन में नहीं मिलेगा। आपका हड्डी मजबूत होगा कंपाउंड मूवमेंट करने से। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ? ज्यादातर कंपाउंड मूवमेंट में स्ट्रक्चरल लोड आता है। स्ट्रक्चरल लोड मतलब जहां पर आपका पूरा बॉडी के ऊपर लोड रहता है, पूरा बॉडी एक कंप्रेसिव लोड में रहता है। से फॉर एग्जाम्पल, स्क्वाट, डेड लिफ्ट, ओवर हेड प्रेस, क्लीन एंड जर्क, स्नैच, ये सब हो गया स्ट्रक्चरल लिफ्ट। आपका पूरा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है लिफ्ट को परफॉर्म करने में। सो यहां पर क्या होता है, आपका जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है वो एक कंप्रेसिव फोर्स में चला जाता है, और जब बोन्स के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स आता है उसमें माइक्रो ट्रामा होता है। माइक्रो ट्रामा मतलब माइक्रो डैमेज। जैसा आप एक्सरसाइज करते हो मसल को भी डैमेज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो ट्रामा। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ट्रामा मीन्स डैमेज। और आप न्यूट्रिशन देते हो, आपका मसल का रेस्ट देते हो, और आपका मसल का साइज बढ़ता है। सेम उसी तरह जब हम लोग स्ट्रक्चरल लिफ्ट करते हैं, बोन्स के ऊपर कंप्रेसिव लोड आता है। कंप्रेसिव लोड आने के कारण उसमें माइक्रो ट्रामा होता है। नाउ विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम और कुछ विटामिंस अगर आप बॉडी को सप्लाई कीजिएगा, तो आपको बोन हाइपरट्रॉफी होगा, मतलब बोन का साइज बढ़ेगा। ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा तो उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, और ये बेनिफिट आइसोलेशन में नहीं मिलता। नाउ द कंक्लूजन, सर हम कंपाउंड मूवमेंट करें, कौन सबसे ज्यादा है, कंपाउंड मूवमेंट या आइसोलेशन मूवमेंट? अभी भी मैं यहां पर बोलूंगा इट डिपेंड्स। अगर आप एक 100% नॉर्मल इंडिविजुअल हो जिसको कोई जॉइंट में दिक्कत नहीं है, उसके लिए एनी डे कंपाउंड मूवमेंट्स आर बेटर। लेकिन अगर आपको कुछ जॉइंट में दिक्कत है, समथिंग यू हैव समथिंग सम प्रॉब्लम, तब मे बी आइसोलेशन मूवमेंट बेनिफिशियल होगा कंपाउंड मूवमेंट से। से फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बंदा आया जिसके एल्बो में टेंडोनाइटिस है, वो अगर एल्बो में मूवमेंट भी करता है, उसके एल्बो में दर्द होता है, और वो आपको आके बोला कि सर मुझे चेस्ट को ट्रेन करना है बट मेरा एल्बो में प्रॉब्लम,
तब आप उसको कंपाउंड मूवमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट मैंने क्या बोला था, मल्टी जॉइंट इन्वॉल्व रहता है। और अगर चेस्ट का अगर कंपाउंड मूवमेंट एग्जाम्पल के तौर पे लू, हो गया बेंच प्रेस। बेंच प्रेस कैसे कंपाउंड मूवमेंट है, दो जॉइंट में मूवमेंट होता है, एक होता है एल्बो, एक होता है शोल्डर। शोल्डर में एडक्शन होता है और एल्बो में एक्सटेंशन होता है, ये दो मूवमेंट साइमल्टेनियस होता है। ओके, नाउ आपका क्लाइंट ने बोला कि मुझे एल्बो में प्रॉब्लम है, तो एल्बो में मूवमेंट करने से लगता है, सो यहां पर हम लोग एल्बो का मूवमेंट एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद देखिए क्या मूवमेंट हो रहा है, आप इसी से ही गेस कर सकते हो कि एक्सरसाइज देना होगा उसको। पेक फ्लाई, डंबल फ्लाई, केबल फ्लाई, तो उसका चेस्ट भी ट्रेन हो जाएगा, उसका एल्बो में कुछ दिक्कत भी नहीं आएगा। सो इट डिपेंड, अगर आपको कुछ जॉइंट में प्रॉब्लम है, मे बी आइसोलेशन मूवमेंट्स विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू देन कंपाउंड मूवमेंट्स। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।